और सबसे बड़ी बात कि ये लोग जब मेरा कार्यक्रम किए तो इन लोगों ने बताया ही नहीं कि टिकट शो है। टिकट शो का मुझे पता ही नहीं था। मैं जब यहाँ आया, जब ये सारे हंगामा हो गए, होने के बाद मुझे पता चला कि टिकट शो था। और उसमें जनता की क्या गलती है? नेपाल की जनता चाहे कहीं की जनता भोली भाली होती है, उसको ये पता नहीं होता है भाई। वो अपने अपने बेटा को प्यार करने, अब मेरे बारे में क्या बोल रही है जनता, किसी के बारे में बोलेगी? क्योंकि उसको हकीकत पता ही नहीं है। तो टिकट शो के नाम पे इन लोगों ने मुझे बुक ही नहीं किया। और जब इनका परमिशन फेल हुआ, सरकार ने कोविड की वजह से परमिशन इनका रद्द किया, इनको मना किया कि आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। आपसे कितना दिन पहले एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पर आने? मेरा तो 5-6 दिन पहले ही ये कार्यक्रम तय हुआ है, राइट ना? 5-6 दिन पहले, 5-6 दिन पहले। और ये लोग 5-6 दिन पहले ही मुझे तय किए। मैंने वीडियो भी बनाया, 2 दिन पहले वीडियो बनाया, 16 तारीख को। तो 2 दिन पहले मैंने इनको वीडियो दिया था, तब इनको पता चल चुका था। तब तक इनको पता चल चुका था कि परमिशन रद्द है, प्रशासन हमें ये कार्यक्रम नहीं करने देगी। उसके बावजूद भी इन लोगों ने, मैं यहां तक आ गया उसके बावजूद भी, पूरे दिन टिकट काटते रहे, टिकट काटते रहे। और मुझे पता ही नहीं है कि टिकट कट रहे और टिकट पे कार्यक्रम है, और लोगों को इसे गुमराह करते रहे। और उसमें नुकसान ये हुआ कि 4 स्कॉर्पियो लोगों ने जला दिया। इसमें मैं पब्लिक, जनता को मैं बिल्कुल दोष नहीं बोलूंगा, क्योंकि इन लोगों ने गुमराह जनता को भी किया और मुझे भी किया। तो आपको, आपका कहना है कि जो भी हुआ आयोजक की तरफ से, आयोजक अगर मुझे सुबह ही बता दिया होता कि भैया यहाँ परमिशन नहीं है, प्रशासन हम आपको नहीं दे सकते, तो इसमें प्रशासन का भी कोई रोल नहीं है भाई। प्रशासन, अब मैं यहाँ आया 8 बजे 9 बजे में पहुंचा, 9 बजे पहुंचने के बाद 10 बजे में रेडी होकर बैठ गया। जैसे निकलना चाहा, पूरी प्रशासन, पूरे होटल को घेर लिया गया कि आप कार्यक्रम करने जा ही नहीं सकते। तो मैं प्रशासन को तोड़ के तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया हूं। ये इंडिया तो है नहीं, ये बिहार तो है नहीं, यूपी तो है नहीं। अब प्रशासन बोल रहा है कि आप जा ही नहीं पाओगे, आपको नहीं जाने देंगे हम, क्योंकि वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो भाई उसका जिम्मेदार हम पे आ जाएगा। जो प्रशासन, नेपाल की प्रशासन निकम्मा है, और नेपाल की प्रशासन ने खेसारी लाल यादव को सुरक्षा नहीं दिया, तो हम अपने पे रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए आप यहां से नहीं जा सकते। और मैं अभी वही कपड़ा पहन के बैठा हूं सुबह से, अभी खाना तक मैंने नहीं खाया, कि कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। मेरे जितने भी बंदे वहां थे, कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको चोट नहीं लगी है, सबको चोट लगी है। क्योंकि पब्लिक को कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव चाहिए था, और मैं उसी के लिए आया भी था। इसमें मेरी कोई गलती, आयोजक ने एक शब्द, अभी तक जो मेन आयोजक है अभी तक मिलने नहीं आया मेरे से। क्या नाम है भैया उनका? क्या नाम है उनका? शरवण जी। शरवण जी अभी तक मिलने तक नहीं आए। पूरा नाम क्या है? शरवण जी का, शरवण शरवण चौधरी है उसका नाम, शरवण चौधरी। तो शरवण चौधरी अभी तक मेरे से मिलने तक नहीं आए। हम लोग सारे लोग अभी तक खाना तक नहीं खाए, सुबह सब लोगों ने नाश्ता करके और कार्यक्रम के लिए जा रहे थे हम लोग। और जनता, अब जनता की नजर में ये चीजें लग रही है कि मैं आया नहीं। अभी आप देख ही रहे ना कि यहाँ पे हैं, ये भी हैं हमारे प्रशासन, यहाँ के प्रशासन भी, हमारे हमारे एसपी साहब के, जो हमारे प्रशासन के लोग हैं वो भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूं, मैं किसी का काम लेता हूं तो मैं अपने जीवन में, मैं 24 घंटा वर्क करने वाला इंसान हूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता लोगों ने जनता को भी बैकूफ बनाया और मुझे भी बैकूफ बनाया। आज कम से कम 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ सिर्फ खेसारी लाल यादव के, 4 स्कॉर्पियो को जला दिया गया। इसमें दोष जनता को मैं कैसे दे सकता हूं? इसमें दोष तो इनका है, हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिए गए, हमारे लड़कियों को चोट पहुंची, तो इसमें दोष ना उन जनता का है और ना ही हमारा है, देखा जाए, और ना ही यहां के प्रशासन का है, ना ही सरकार का है। जब सरकार आपको पहले कोविड की वजह से मना कर दिया, तो ये कार्यक्रम आपको पहले ही रद्द कर देना चाहिए। जब 2 दिन पहले ही आपकी परमिशन रद्द की गई, तो आपको पहले जनता को बता देना चाहिए कि कार्यक्रम, या मुझे ही बोलते कि भाई एक बार लाइव आकर बोल दीजिए कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया।